नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए इस बार बोर्ड परीक्षा में 3 नए नियम लागू किए गए हैं, जिस नियम के बारे में आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और तीनों नियम के बारे में एक एक करके समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं का फाइनल एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस नियम के बारे में जानने के लिए आप लोग गूगल को ओपन करना, ठीक है। गूगल ओपन करके आपको सर्च में लिखना है, यहाँ पर आप लोग गूगल को ओपन कर लीजिएगा और सर्च में लिखिएगा mgvresult.com। अगर आप लोगों को सर्च करने में कोई दिक्कत होती है ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। अगर आप इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है बोर्ड परीक्षा 2023 में फाइनल एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम से पहले इस नियम के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गूगल में आना है, सर्च करना है mgvresult.com। और आप लोगों को पता ही है कि मैं आप सभी को बिहार बोर्ड से जुड़े हर एक पल पल की खबरें बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको mgvresult.com सर्च किया, ठीक है। और आप लोगों ना mgvresult.com कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि यही आप लोगों को सर्च करना है, तभी आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं mgvresult.com ओपन हो गया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेली और यहाँ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डेली सुबह शाम टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर। ये मतलब कि बहुत ही मतलब कि अच्छी खबर है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर रूल वन में देखिए नियम वन क्या कहता है। नियम वन में कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो भी मतलब विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं की सेंटअप की परीक्षा में परीक्षा ली जाती है, अगर उसमें विद्यार्थी उपस्थित नहीं रहता है तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा और नहीं परीक्षा हॉल में बैठा दिया जाएगा। इसका मतलब कि पहला नियम के तहत आपको बताया गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी 2023 में जो सेंटअप एग्जाम होता है ना, 2023 फाइनल एग्जाम के लिए अगर सेंटअप एग्जाम में अगर आप एक भी विषय में उपस्थित नहीं रहते हैं ना, तो आपका वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप फाइनल एग्जाम में बैठने में असमर्थ हो जाएंगे और ना ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। जब तक आप सेंटअप एग्जाम में सभी मतलब कि पेपरों में उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगला दो नियम आपको आकर खुद पढ़ना है, ठीक है। अगला दो नियम के बारे में आप लोगों को खुद आकर पढ़ना है और यहाँ से आप लोग संस्कृत में प्रार्थना पत्र, मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला जो दो नियम है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया, जैसे कि इस बार कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा या फिर 50% पूछेगा, आप लोगों को इसी में जानकारी मिलेगा। दूसरा और तीसरा नियम है, तो आकर इस नियम के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।